नमस्ते, आज मैं कलाकंद बनाने जा रही हूँ। इधर मैंने 2.5 लीटर दूध लिए हुए हैं, 2 लीटर मैंने इधर भगोने में बॉयल होने के लिए रख दिया है और आधा लीटर मैंने दूध को गाढ़ा होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। दोनों ही प्रोसेसिंग मैं साथ ही साथ करती जा रही हूँ। इधर मैं दूध फाड़ने का और उधर दूध को गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। इधर मैंने विनेगर 2 चम्मच डाल दिए हैं। ये दूध मेरा अच्छे से फट गया है। अब इसे छन्नी एक रख लिया है मैंने। छन्नी के ऊपर कपड़ा रखूँगी और दूध को इसमें छानूंगी। प्रोसेसिंग सबका एक ही है लगभग, दूध फाड़ने का, पनीर का भी और सभी, और मतलब सबकी टेक्निक अलग अलग है बस। तो मैं यहाँ पे दूध को छानूंगी, अच्छे से इसको छान लूँगी छन्नी से। ये मेरा छन गया है और इसे मैं एक ठंडे पानी में जो है कि इसको मैं अच्छे से वाश करूँगी। नॉर्मल पानी ही है, कोई खास ठंडा नहीं है, नॉर्मल पानी है। इसे अच्छे से वाश कर लूँगी और पानी को मैं अलग रख दूँगी। इस पानी को कि फेंकूँगी नहीं, किसी पेड़ पौधे वगैरह में डाल देंगे। और जो फटा हुआ पानी है उसको मैं आटा वगैरह गूँथने या ग्रेवी में यूज़ ले लूँगी। और फिर उसके बाद पनीर को मैं हल्के हाथों से इसको मलूँगी। जब ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो उस 2 से 3 मिनट इसको लगेगा मलने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद जब ये मल जाएगा तो फिर जो बगल में मैंने कढ़ाई में दूध रख रखा है गाढ़ा होने के लिए, उसमें डालूँगी मैं। आप ये देख सकते हैं मेरा ये डो तैयार हो गया। इसको क्रम्प करके डालना है, इसको मतलब हल्का सा मसल के डालना, ऐसे ही नहीं डाल देना है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, देखिए मेरा दूध गाढ़ा हो गया। इसमें मैं पहले थोड़ा थोड़ा चीनी डालूंगी। चीनी मैंने एक छोटी कटोरी से लिया, जितना आपको मीठा पसंद हो उतना मीठा आप ले सकते हैं। वैसे कलाकंद थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। चीनी एक बार में नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और चम्मच चलाते रहना है, वरना दूध फट सकता है। यहाँ पे दूध को फटना नहीं चाहिए। आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इसके बाद मैं इसको क्रम्प्स करके डालूंगी। इसको हल्के से हाथ से फोड़ लेना है, मसल लेना है। ये साबुत ऐसे ही नहीं डालना। फिर धीरे धीरे चम्मच तो चलाते रहिए ताकि वो उसमें अच्छे से घुल जाए। इसमें आपको जब ये दाना दाना सा दिखने लगेगा, इसको बराबर चलाते रहना है। ये देखिए कितना अच्छे से ये मिक्स हो गया है और इसमें दाना दाना सा दिखने भी लग गया है। और ये मेरा अब बनके तैयार हो गया लगभग। थोड़ा सा और इसको बनाएंगे, थोड़ा पतला है अभी ये, गाढ़ा थोड़ा सा हो जाए। आप पतला रखना चाहे पतला भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जमने के बाद थोड़ा लुक अच्छा नहीं आता। बहुत से लोगों को रसीला पसंद है तो रसीला भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको और ठीक कर रही हूँ। थोड़ा ठीक होने के बाद, गाढ़ा होने के बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। देखिए बिल्कुल ही ठीक हो चुका है मेरा, देख सकते हैं आप। और मैंने गैस को कर दिया। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में इसको डालूँगी। यहाँ पर मेरा बाउल थोड़ा बड़ा हो गया है क्वांटिटी के हिसाब से। और आप चाहें तो ज़रूरत के अनुसार अपने बाउल को लो। मेरे पास यही था इसलिए मैंने ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ी कम है। लेकिन आप देख सकते हैं कितना अच्छा लाजवाब बना है। खाने के बाद इसका टेस्ट आपको पता चलेगा। मैं तो ये कहूँगी आप भी अपने घर में बनाएं और इसका आनंद लें। और ये शुद्ध घर का है, मार्केट का नहीं है। अब इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। मेरे पास डेकोरेट करने के लिए पिस्ता वगैरह नहीं है, मेरे पास काजू था तो मैं काजू से ही कर रही हूँ। इस समय मेरे पास बादाम पिस्ता कुछ भी नहीं है। आप जिससे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसको डेकोरेट करने के बाद थोड़े 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में ठंडा होने के बाद इसे हम निकालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। जितना देखने में स्वाद सुंदर है उतना ही खाने में भी स्वादिष्ट है। ये मैंने फ्रिज से 2-3 घंटे के बाद निकाल लिया। अब इसको करेंगे हम कट। ये यहाँ पे कट होने के बाद अब अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने तो जैसे ही बनाया, कट करते क्या देरी हुई कि बच्चों ने सफा चट कर दिया। इतना पसंद आया बच्चों को और कहने लगे मम्मा रोज़ ऐसा ही बनाया करिए, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा है और शुद्ध है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। बस मैंने एक इलायची डाला था इसमें और कुछ भी नहीं डाला था। ये आप देख सकते कितना सुंदर और खाने में भी स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो कर ही दीजिएगा।
ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसको मैं सर्विंग बाउल में बच्चों को देने जा रही हूँ। देते ही देते अभी निकालते ही बच्चों ने बिल्कुल लूट मचा दी। ये देखिए कितना अच्छे से बन गया है। इसका कलर भी कितना अच्छा, आप देख सकते हैं। आप भी अपने घर में बनाइए और ट्राई करिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।